सिक्योरिटी बिल कब आया था कांग्रेस का जमाने से, ये क्या अलग से क्या कर रहे हैं? खाली नाम बदल देना है, स्कीम का नाम बदल देना है और बिहार जैसे राज्यों पर भार डाल देना है। पहले राज्य सरकारों को 10% देना पड़ता था, आज 50-50 देना पड़ रहा है। तो बिहार जैसे गरीब राज्य के लिए क्या स्पेशल है? हमारे राज्यों पर तो और भार दे दिया गया और ये बात हमने मुख्यमंत्री भी कहते हैं। 2047 का भारत श्रेष्ठ भारत बने उसके संकल्प को लाने का काम किया है, इसके लिए प्रधानमंत्री जी को विशेष तौर पर धन्यवाद है। और 21वीं सदी का विकसित भारत बनाने के संकल्प को स्पष्ट झलकाया गया है और ये मोदी जी की गारंटी है। कोई साझा न्यूनतम कार्यक्रम का इन लोगों ने जिक्र नहीं किया। कांग्रेस अलग लेकर आ रही है तो राजद अलग लेकर आ रही है और 1 करोड़ की बात कर रहे हैं, कैसे जनरेट करेंगे ये लोग रोजगार? भाई बोलने में क्या जाता, आप 1 करोड़ क्या, आप 140 करोड़ की आबादी में 150 करोड़ लोगों को नौकरी दे दीजिए, बोलने में क्या जाएगा? नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। देखिए लोकसभा का चुनाव इसी वर्ष होना है और तमाम लोग तैयारी में भी जुट गए। देखिए पहले RJD ने घोषणा पत्र जारी किया और अब BJP के द्वारा घोषणा पत्र जारी किया गया, मोदी का गारंटी। देखिए अब घोषणा पत्र जारी होने के बाद तमाम जो लोग हैं वो प्रतिक्रिया दे रहे हैं। सबसे पहले हम आपको सुनवाने जा रहे हैं तेजस्वी यादव, जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं बिहार के। देखिए तमाम चीज़ों को लेकर अपनी बातों को रख रहे हैं। उसके बाद सम्राट चौधरी, जो बिहार BJP के प्रदेश अध्यक्ष हैं, क्या कुछ कर रहे हैं घोषणा पत्र को लेकर। साथ में विजय कुमार सिन्हा, चिराग पासवान, तमाम लोग अपनी बातों को रख रहे हैं और किस तरीके से BJP के घोषणा पत्र पर तेजस्वी यादव जहां कटाक्ष कर रहे हैं, वहीं जो NDA के नेता है क्या कुछ कर रहे हैं, पहले हम आपको वो सुनवाने जा रहे हैं। आप देखिएगा, 80% किसान है, 80% किसानों के बारे में जिक्र नहीं है। कितना नौकरी देंगे नहीं देंगे इसके बारे में कोई चर्चा रोजगार की नौकरी की नहीं है। बिहार जैसे गरीब प्रदेश, बिहार के साथ साथ और जितने गरीब प्रदेश हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए कुछ नहीं, केवल इधर उधर की बातें हैं। तो हमारा मानना है कि उसमें बताइए बिहार के लिए क्या है। हम तो आप ही लोगों से पूछते हैं, मैनिफेस्टो देखे हो, बिहार की जनता के लिए क्या है? उसमें ना स्पेशल पैकेज के जिक्र किया गया, ना बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा देने का जिक्र किया गया। कैसे हम बिहार को आगे बढ़ाएंगे? और गरीब प्रदेश जैसे बिहार के रहें उनको कैसे बढ़ाएंगे? किसान युवा के लिए क्या करेंगे? तो इसका तो कोई जिक्र ही नहीं किया गया। ना महंगाई कैसे ख़त्म करेंगे इसके बारे में कोई जिक्र है, तो बता दीजिए कि जो महंगाई है, गरीबी को कैसे ख़त्म करेंगे इसके बारे में भी कोई जिक्र नहीं है। और हालांकि BJP के लोगों ने क्या क्या नहीं कहा है 10 सालों में और क्या क्या किया है वो सबको पता है। राशन भी 5 साल फिर बढ़ाया गया है, राशन भी गरीब जो लोगों को मिलता था। अरे भाई UCC को भी आपको राशन कब से मिल रहा है? फूड सिक्योरिटी बिल कब आया था? फूड सिक्योरिटी बिल कब आया था कांग्रेस का जमाने से, ये क्या अलग से क्या कर रहे हैं? खाली नाम बदल देना है, स्कीम का नाम बदल देना है और बिहार जैसे राज्यों पर भार डाल देना। आप बताओ ना, जितनी केंद्रीय योजनाएं हैं पहले राज्य सरकारों को 10% देना पड़ता था, आज 50-50 देना पड़ रहा है। तो बिहार जैसे गरीब राज्य के लिए क्या स्पेशल है? हमारे राज्यों पर तो और भार दे दिया गया और ये बात हमने मुख्यमंत्री भी कहते हैं, कितनी बार कहा गया है, तो उसके लिए क्या किया? देश में आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने गरीबों के कल्याण के लिए, युवाओं के कल्याण के लिए, अन्नदाताओं के कल्याण के लिए और नारी शक्ति को मजबूत करने के लिए, मैं प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूं कि इतना अच्छा मैनिफेस्टो लाकर 2047 का भारत श्रेष्ठ भारत बने उसके संकल्प को लाने का काम किया है, इसके लिए प्रधानमंत्री जी को विशेष तौर पर धन्यवाद है। देखिए भारतीय जनता पार्टी आज बाबा भीमराव अंबेडकर के जयंती के अवसर पर
जो ज्ञान की बात कहा, आज युवा का, महिला का, नारी का और अन्नदाता का, सबका उत्थान कल्याण, और अगले 5 वर्ष कोई भूख से नहीं मरेगा, हर गरीबों को अन्न की व्यवस्था की गारंटी मोदी जी की मिल रही है, युवाओं को रोजगार का अवसर, और आज वो 3 करोड़ से ज़्यादा नए आवास गरीबों को भी सुपुर्द करेंगे। आयुष्मान भारत का आज निरोग रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए, इलाज के लिए 5 लाख की गारंटी, 70 वर्षों से अधिक लोगों को भी पूरी तरह से इलाज की व्यवस्था, प्रधानमंत्री का सांस्कृतिक विरासत बढ़ाने का, तमिल और सभी भाषाओं का सम्मान, और देश के राष्ट्रवाद और 21वीं सदी का विकसित भारत बनाने के संकल्प को स्पष्ट झलकाया गया है, और ये मोदी जी की गारंटी है। जो कहे हैं सो किए हैं, जो कहेंगे सो करेंगे। प्रधानमंत्री जी का होना मोदी की गारंटी को पूरा करने की गारंटी है। ये वही प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने आज तक जितने विवादित, जितने ज्वलंत विषय थे उनका समाधान करने का कार्य किया। प्रधानमंत्री जी की वजह से ही धारा 370 समाप्त हुई। क्या किसी और सरकार में ये हिम्मत थी कि धारा 370 को हटा सके? क्या किसी और सरकार में ये इच्छा शक्ति थी कि वो राम मंदिर का निर्माण कर सके? क्या किसी और सरकार में ये इच्छा शक्ति थी कि वो नारी शक्ति अधिनियम को वो लागू कर सके? तो जब इन तमाम कार्यों को किया गया, जहां महिलाओं के सम्मान के लिए शौचालयों का निर्माण करवाया गया, तो वहीं उनके स्वास्थ्य के लिए उज्ज्वला योजना दी गई, वहीं कोई गरीब परिवार स्वास्थ्य लाभ से वंचित ना रह जाए आर्थिक कठिनाइयों की वजह से, आयुष्मान योजना भी दी गई। तो इन तमाम विषयों ने जहां जनता का विश्वास प्रधानमंत्री जी के प्रति बढ़ाया, वहीं मोदी की गारंटी पर लोगों की उम्मीदें बढ़ी हैं। तो ये जो संकल्प पत्र आया है, ये वो विश्वास है जिसको आने वाले 5 सालों में पूरा किया जाएगा। गठबंधन के नेता कह रहे हैं कि चुनावी जुमला है। भाई ये लोग जुमलेबाजी अपनी बताए ना, यहाँ पे लोकसभा का चुनाव हो रहा है तो ये लोग मैनिफेस्टो निकाल रहे हैं विधानसभा के चुनाव का। इनमें से कौन बनने जा रहा है भैया प्रधानमंत्री? क्या इनकी पार्टी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है? कितने विधायक हैं इन लोगों के देश भर में, या कितने सांसद हैं इन लोगों के देश भर में? तो जिस तरीके से ये लोग भारत के संघीय ढांचे पर ही विश्वास नहीं रखते, हर पार्टी अपना अलग मैनिफेस्टो लेकर आ रही है, कोई साझा न्यूनतम कार्यक्रम का इन लोगों ने जिक्र नहीं किया, कांग्रेस अलग लेकर आ रही है तो राजद अलग लेकर आ रही है, और 1 करोड़ की बात कर रहे हैं। कैसे जनरेट करेंगे ये लोग रोजगार, कैसे रेवेन्यू जनरेट करेंगे, कैसे जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेंगे, इसका जिक्र भी कहीं पे नहीं किया गया। तो भाई बोलने में क्या जाता, आप 1 करोड़ क्या, आप 140 करोड़ की आबादी में 150 करोड़ लोगों को नौकरी दे दीजिए, बोलने में क्या जाएगा? तो अभी आप तमाम जो नेता हैं उनको सुन रहे थे किस तरीके से अपनी बातों को रख रहे हैं, और कह रहे थे ये मोदी की गारंटी है। मोदी जो प्रधानमंत्री हैं कितना काम किए हैं देश के लिए, विकास के लिए। अब देखने वाली बात होगी, एक और जहां लोग काम करने की बात करते हैं, वही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कटाक्ष कर रहे थे। अब किस तरीके से तेजस्वी यादव लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लगातार जो बिहार में 40 सीट पर लोकसभा का चुनाव होने हैं, तेजस्वी यादव लगातार क्षेत्र में जा रहे हैं, अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांग रहे हैं। वहीं आज NDA के भी नेता हैं, वो भी क्षेत्र में जा रहे हैं और वो भी वोट मांगेंगे। पर जाने से पहले किस तरीके से जो तमाम नेता हैं वो अपनी अपनी बातों को रख रहे थे। कल तेजस्वी यादव जब घोषणा पत्र जारी कर रहे थे, उस दौरान उन्होंने कहा 1 करोड़ युवाओं की जॉब देंगे, सिलेंडर 500 रुपये में मिलेगा। देखिए किस तरीके से तेजस्वी यादव हैं जो घोषणा पत्र जारी किए, और उसके बाद तमाम जो दल के लोग हैं अपनी अपनी बातों को रख रहे थे। पर अब जब NDA का, BJP का घोषणा पत्र जारी हुआ, तो देखिए तमाम जो नेता हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हो गए और मोदी की गारंटी की बात करने लगे। अब देखने वाली बात होती है कि और भी जो लोग हैं वो क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि लगातार जो चुनावी वर्ष है और तमाम लोग अपनी बातों को रख रहे हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चुनावी जनसभा में जाएंगे, जो कार्य किए हैं वो भी बता रहे हैं। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 बार बिहार भी आए थे और बिहार में किस तरीके से अपनी बातों को रख रहे थे, पर आज किस तरीके से तेजस्वी यादव BJP के ऊपर हमला बोले हैं, और वहीं जो विपक्ष
के नेता हैं वो भी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोल रहे हैं। तेजस्वी यादव जहां भी जा रहे हैं जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, वह नौकरी की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, और जिस तरीके से नीतीश कुमार NDA के साथ चले गए उस दौरान को भी जिक्र कर रहे हैं और कह रहे हैं कि चाचा जी फिर से पलट गए। अब देखने वाली बात होती है कि अब आगे और क्या कुछ होता है, क्योंकि बिहार में 40 लोकसभा की सीट है। एक और जहां NDA के लोगों का कहना है कि 40 में 40 जीतेंगे, पिछली बार हम लोग 39 जीतेंगे, तो वही जो महागठबंधन के नेता हैं उनका कहना है कि इस बार वो नहीं होने वाला है, इस बार आधे से भी कम पर सिमट जाएंगे NDA के लोग। देखिए तमाम जो नेता है उनको सुना रहे थे कि किस तरीके से अपनी बातों को रख रहे थे और क्या कुछ कर रहे थे। चिराग पासवान को भी अभी आपने सुना और तेजस्वी यादव को भी अभी आपने सुना किस तरीके से अपनी बातों को रख रहे थे। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे लाइव स्टूडियो के साथ। लाइव स्टूडियो को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।